गुड मैं हेलो हेलो तमन्ना। यस मैम। यस तमन्ना, आज ओमिशन एडिटिंग और क्या था, क्या कौन कौन से टॉपिक बचे हैं तुम्हारे इसमें से, सिलेबस में से? मैम मेरे एक मिनट मैम, मैं भी बताती हूँ। वो ना ग्रुप पर सिलेबस है तो वो ऊपर चला जाता है। अच्छा, क्योंकि एक बार तुम मुझे बता दो और हम कौन से कर चुके हैं, कौन से रह गए हैं। ठीक हम है मैम। टेंसेस है ना तुम्हारा, यस मैम। टेंसेस हम कर चुके, कंजंक्शन कर चुके। हाँ आर्टिकल्स भी कर लिए। और बताओ, और आर्टिकल्स, मैम ओमिशन, ओमिशन ओमिशन। मिशन कर लिया ना हमने। हाँ, ओमिशन हो गया। एडिटिंग, एडिटिंग करना है, एडिटिंग रहता है। गैप फिलिंग भी हो गया। हाँ, सुनो, इन सब में ना बस थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। अब गैप फिलिंग में और ओमिशन में ये एक जैसे ही है कि तुम्हें वो जो वेकेंट स्पेस है उसको फिल करना है। अब वो आर्टिकल भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, या कोई नॉर्मल वर्ड्स भी हो सकते हैं कि उस जगह ओके क्या okay. फिट होएगा। ठीक है, ये सब सिमिलर ही है। बस मैम यही थे और नहीं है। और नहीं, बस एडिटिंग बचा है हमारा। यस मैम। और ओमिशन तो हो गया था हाँ, बस और और बस कुछ नहीं है एडिटिंग। ग्रामर। नो मैम, बस यही चीज थी। चलो फिर आज एडिटिंग करते हैं। ठीक है। इंग्लिश का एग्जाम कब है? 17 तो साइंस का है, 28 मैम इंग्लिश का एग्जाम तो सबसे लास्ट में है, 28 को। अच्छा, मतलब 17 से शुरू होके 28 को खत्म है। यस मैम। ओके, अब बस क्या नाम है, मंडे से हम ये मंडे को फिजिक्स, मंडे से फिजिक्स केमिस्ट्री की चैप्टर खत्म करना है वो। यस मैम। ओके, एडिटिंग वाली हम आज एडिटिंग करते हैं। इसकी एक्सरसाइज मैं बताती हूँ। ओके, ये क्या होता है एडिटिंग, जैसे क्वेश्चन आएगा, एडिट द फॉलोइंग पैसेज बाय रिप्लेसिंग द इनकरेक्ट वर्ड विद द करेक्ट वन। हाँ, जैसे लिखा हुआ है, चिल्ड्रन, लव, पिकनिक, लव पिकनिक्स एंड आउटिंग्स ऑफ देयर। एडिट करना, किसी चीज को एडिट करना होता है कि उसको रिप्लेस करना, मतलब उसको करेक्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पे, ओके मैम। अब मैं तुम्हें जैसे फर्स्ट बताती हूँ, चिल्ड्रन ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें कुछ इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट करके लिखना है। तो चिल्ड्रन लव पिकनिक्स एंड आउटिंग्स, अब इसमें ये इनकरेक्ट है, ऑफ देयर पेरेंट्स। अब ऑफ देयर पेरेंट्स तो उनको पेरेंट्स की पिकनिक्स और आउटिंग्स तो पसंद आएंगी नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो चिल्ड्रन लव पिकनिक्स एंड आउटिंग्स विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट यस था, मैम। इनकरेक्ट था ऑफ, जिसको हमने करेक्ट करके लिखा है विद।
हाँ फिर इसके आगे दो दे आर इक्वली हैप्पियर डूइंग थिंग्स विद, ये है हमारा सेकेंड सेंटेंस. अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि क्या इनकरेक्ट हो सकता है. दो दे आर इक्वली हैप्पियर डूइंग थिंग्स विद, तुम बताओ पहले कि तुम्हें क्या इनकरेक्ट लग रहा है. अकॉर्डिंग टू टेंस भी देखना है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स भी देखना है, कंजंक्शन भी देखना है. मैम इक्वल के आगे ना एन आएगा. नहीं ये इसके इसमें नहीं होता. दे आर एन इक्वली हैप्पियर, ये सेंटेंस कभी कभी तुम जो चीज लगा रहे हो ना वो उसको लगा के वो चीज वो सेंटेंस को पढ़ा करो, तब तुम्हें okay. वो पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि वो करेक्ट है कि नहीं है. ये नहीं आएगा. और बताओ इतने में थर्ड सेंटेंस लिखती हूँ, इतने तुम सोचो. दो दे आर इक्वली हैप्पी, दो दे आर इक्वली हैप्पी डूइंग थिंग्स विद देम अराउंड द हाउस. अ पेरेंट मे मेक मेक मैम वहां पे मे मेक तो अब ये वाला सेंटेंस क्योंकि थर्ड वाला है ना वो सेकंड के साथ ही मिक्स होके चल रहा है, तो एक बार सेकंड से तब थर्ड तक पढ़ो. दो दे आर इक्वली हैप्पी डूइंग थिंग्स विद देम अराउंड द हाउस. मैम देम दी अराउंड द हाउस देम अराउंड नहीं यहाँ पे आएगा इन इन. दो दे आर इक्वली हैप्पी डूइंग थिंग्स विद देम इन द हाउस, अराउंड द हाउस नहीं होगा. ओके मैम. अ पेरेंट मे मेक इन मेक श्योर नो अब नहीं ये वाला तो सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया. मे मेक ये वाला ये नहीं है, फोर्थ सेंटेंस है. अब देखो ये सेंटेंस तुम यहां से पढ़ना, फुल स्टॉप है यहाँ पे, इसके बाद से ये सेंटेंस है पूरा. His child feels a parent may make his child, यहाँ से पढ़ो अ से क्योंकि यहाँ से है ना ये सेंटेंस स्टार्ट. ओके मैम. A parent may make his child feels special by following some, sorry, simple. मैम ही खत्म हो गया यहाँ पे. A parent may make his child feels special by following some simple. अब इनकरेक्ट तो इस सेंटेंस में है पर हमें पढ़ना यहाँ से पड़ेगा पूरा. अ पेरेंट मे मेक हिज चाइल्ड फील स्पेशल बाय फॉलोइंग सम सिंपल, यहाँ तक कि एक पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड को स्पेशल फील कराता है
यही मैं ये मैं पूरा ही बता देती हूँ तुम्हें, ये वाला जो मैं सेंटेंसेस मैम इसमें ना फील्स नहीं, वो यहाँ पे आएगा फील्स की जगह फील आएगा। ठीक है यस मैम, क्योंकि वो अजीब सा लग रहा था ना, इनकरेक्ट सा लग रहा था, एस उसमें नहीं नेसेसरी लग रहा था। अ पेरेंट्स मे मेक हिज चाइल्ड फील स्पेशल बाय फॉलोइंग सम सिंपल सिंपल रिचुअल्स। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है, ये वाला फिफ्थ सेंटेंस है, यहीं से स्टार्ट है, प्रीवियस वहां खत्म हो गया था। बेड टाइम स्टोरीज, रुको मैं नेक्स्ट भी लिख देती हूँ ताकि तुम नेक्स्ट सेंटेंस भी पढ़ लो इसके साथ। वंडरफुल, पढ़ो इतने, तुम पढ़ के सोचो कि क्या हो सकता है, कहाँ पे इनकरेक्ट। ओके मैम, मैम द की जगह पे ना एंड आएगा, बेड स्टोरीज एंड द तो तुमने सही बोला, द की जगह आएगा लेकिन वहां ए आएगा। ओके मैम, बेड टाइम स्टोरीज अ गेम ऑफ कार्ड्स और सिंपल टेक टॉकिंग एंड लाफ टुगेदर बिफोर गोइंग टू द मैम टू के बाद में ना द आएगा। भूल गए कि हम क्या कर रहे थे, किसी चीज को हटा रहे थे। हाँ तो हटाओ, जब तभी तो किसी को कुछ लिखोगे। ओके मैम, सिंपली टॉकिंग एंड, अब ये टॉकिंग एंड लाफ टुगेदर बिफोर गोइंग टू बेड सम गिव चिल्ड्रन अ वंडरफुल सेंस ऑफ वेल बीइंग। अब पढ़ो ऑड क्या लग रहा है इसमें, लाइन में सिक्स में, सिक्स्थ में मैम वो नीचे से ही है, टू बेड सम गिव। स्टार्टिंग में सब सही लग रहा है, सिंपली से मैम सिंपली अजीब लग रहा है लेकिन। नहीं नहीं सिंपली से मतलब ये पढ़ो ये लाइन को। ओके मैम, सिंपली टॉकिंग एंड लाफ मैम वहां पे ना वो आएगा, लाफ के बाद ना वर्ड मिसिंग है वहां पे। यहाँ पे फिर तुम भूल जा रही हो कि कुछ मिसिंग नहीं है, कुछ इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करना है। एडिटिंग होता है कि कुछ इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करना है, एडिट करना है।
सिंपली अब तुम सोचोगी अरे यार ये इतना इजी था और मैं सोच नहीं पाई. सिंपली टॉकिंग एंड लाफिंग नॉट लाफ. पढ़ के अजीब नहीं लग रहा था? सिंपली टॉकिंग एंड लाफिंग टूगेदर. अब तुम सोचो कि हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था इतना इजी था ये. सिंपली टॉकिंग एंड लाफिंग टूगेदर बिफोर गोइंग टू बेड सम गिव चिल्ड्रन अ वंडरफुल सेंस ऑफ वेल बीइंग. दे हार्डली एवर फॉरगॉट दीज मोमेंट्स. अब बताओ क्या अजीब लग रहा है, क्या रॉन्ग लग रहा है मैम? वहां पे मूवमेंट अजीब लग रहा है. मोमेंट मोमेंट्स नहीं ये नहीं है और कुछ. पढ़ो. गिव चिल्ड्रन ए वंडरफुल सेंस ऑफ बीइंग वेल दे हार्डली एवर फॉरगेट. Forgot. For, मैम for, forget की जगह पे ना वो आएगा for, forgetted. ये forgot है. तुम ये बता दे रही हो कि कहाँ पे इनकरेक्ट लग रहा है लेकिन ये उसे करेक्टली नहीं बताती. यहाँ पे forget होएगा. They okay. hardly ever forget these moments and cherish them throughout these lives. बताओ इसमें इनकरेक्ट क्या है. चलो तुम ये बता दो इनकरेक्ट क्या है, वहां पे फिर मैं बताऊंगी करेक्ट क्या है. पढ़ के ही तुम्हें पता चल जाएगा. यहाँ से पढ़ो पढ़ो. दे हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट है ना, यहाँ से पढ़ो. दे हार्डली एवर फॉरगेट दीज मोमेंट एंड चेरिश देम थ्रू आउट दीज लाइव्स. मैम दीज जगह पे हाँ दीज की जगह पे ये बता देती हूँ कि हाँ इनकरेक्ट क्या है. अब करेक्ट बताओ, ट्राई करो. दीज यहाँ पे क्या आना चाहिए? नहीं फिर सेंटेंस पढ़ो कि क्या आना चाहिए यहाँ पे, ट्राई करो कि क्या आएगा. hardly ever forget this moment and cherish them throughout the their हाँ throughout their life अपनी लाइफ में ना. अपनी लाइफ में वो अपनी लाइफ की बात करना तो their lives. ठीक है चलो ये वाला पैसेज पूरा हो गया. अब हम नेक्स्ट पैसेज करते हैं. ठीक है यही है वही एडिटिंग है. ठीक है फर्स्ट सेंटेंस है टाइम इज वेरी प्रीशियस टेन मंथ्स. पढ़ो देखो क्या लग रहा है. टाइम इज वेरी प्रीशियस देन मनी. टाइम इज वेरी प्रीशियस देन मनी. तुम इतना बता दो. चलो अच्छा रॉन्ग क्या लग रहा है ये तो बता दो. रॉन्ग मैम एक तो देन लग रहा है. अच्छा और एक वेरी लग रहा है. नहीं वेरी तो ठीक है. वेरी ही इनकरेक्ट है यहाँ पे. देन ठीक है. हाँ वेरी की जगह क्या आना चाहिए. टाइम इज वेरी तो आएगा नहीं. टाइम इज डैश प्रीशियस. टाइम इज मोस्ट प्रीशियस मोर
मोर okay, बिल्कुल आसपास घूम रहे होते हो और सही नहीं बताते. टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी. मनी वंस लूज. अभी पढ़ के ही अजीब लग रहा है. मनी वंस लूज कैन बी रीगेन्ड. क्या गलत लग रहा है इसमें? मैम लूज की लूज. हाँ, और लूज की जगह क्या आना चाहिए? लॉस्ट. वेरी गुड. लॉस्ट. मनी वंस लॉस्ट कैन बी रीगेन्ड बट टाइम वंस लॉस्ट वॉज लॉस्ट फॉर एवर. चलो मैं आगे लिखती हूँ, इतने सोचो. मैम वॉज की जगह ना वेरी गुड. वॉज की जगह ही कुछ आएगा. देन आएगा. नहीं, ट्राई करो और. दे इज मनी वंस लॉस्ट कैन बी रीगेन्ड बट टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर. ओके ठीक है, हम ये इज की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इज ही आना चाहिए. इसमें ये वॉज, इसमें हम तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये पास्ट की बात कर रहा है इसमें, इस लाइन में. तो वो इनकरेक्ट है ना, कि हम ये पैसेज प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. चलो नेक्स्ट पढ़ो. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नंबर वन. नो वन. नो वन. मैम वेट्स की जगह ना वेटिंग फॉर नो वन आएगा. वेट्स की जगह वेटिंग. वेट आएगा. ओके मैम वेट. अब तुम वो सोचो कि इसमें इन सब में ना टेंस ध्यान रखा करो. एडिटिंग हो रहा है ना, जो इसमें टेंस ध्यान रखा करो. टेंस को ना रिकॉल करो कि कौन से टेंस में क्या लगता है. अब हम ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो उस टेंस में हमारा पूरा पैसेज उसी टेंस में होना चाहिए. ठीक है, चलो चलो इतना तो है. तुम वो पकड़ पा रहे हो कि कहाँ पे इनकरेक्ट है, बस उसका प्रैक्टिस करोगे ना तो पता चल जाएगा कि कैसे वर्क होता है. लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज मे स्पॉइल वंस लाइफ. मैम यहाँ पे ना एक की जगह वो आएगा. इस वाली लाइन को तो देखो ही मत ना, इस लाइन में तो कंप्लीट हो चुका है. फिफ्थ तो ये है ना, इस लाइन में हमें देखना है. अच्छा वो ए उसी के साथ में है. ये तो इसी सेंटेंस में है, इसके बाद फिफ्थ वाला सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. पर हम पढ़ेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है. पर इनकरेक्ट जो है वो ये वाले सेंटेंस में है. A lost opportunities may spoil one's life. मैम वंस की जगह कुछ और आएगा. और सोचो, गलत है. मैम अपॉर्चुनिटीज की जगह ना अपॉर्चुनिटी आएगा. वेरी गुड, करेक्ट एकदम. वेरी गुड. चलो आगे बताओ. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगा. अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी मे स्पॉइल वंस लाइफ. आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस. दोज हु डज नॉट एक्ट इन टाइम.
मैम डज नॉट की जगह पे कुछ आएगा. हाँ ये भी करेक्ट पकड़ा है तुमने. क्या आएगा? दोज हु डोंट एक्ट. बहुत बढ़िया, करेक्ट एकदम. दोज हु डोंट एक्ट इन टाइम हैज टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स. रिपेंट का क्या मतलब होता है? पछताना उन्हें. जो दोज हु डोंट एक्ट इन टाइम, जो लोग टाइम पे एक्ट नहीं करते वो बाद में पछताते हैं, उन्हें बाद में भुगतान करना पड़ता है उस चीज का. ओके मैम. मैम यहाँ पे आफ्टर वर्ड्स की जगह कुछ आएगा. नहीं और कुछ चेक करो. आफ्टरवर्ड्स तो करेक्ट है. तो मैम टू की जगह कुछ आएगा. Those who don't act in time has to repent afterwards. अब सोचो जो, अब हम ये फ्यूचर में कह रहे हैं ना, जो अभी अपने प्रेजेंट टाइम में एक्ट नहीं करते करेक्ट टाइम पे, वो आफ्टरवर्ड्स उन्हें पछतावा होता है उस चीज का. तो हम हैज नहीं लगाएंगे उस टाइम पे, हम क्या okay. लगाएंगे? Have. Very good. So those who don't act in time have to repent afterwards. An intelligent, इसके बाद ना ये sentence उसके next है, मैं वो लिखना भूल गई. इसके बाद जो sentence है ना seventh, वो sorry seventh के बाद ये ninth है और eighth sentence ये. An intelligent hence. नहीं नहीं an intelligent के बाद ये है जो मैं लिख रही हूँ. वो वाला नहीं है? वो वाला उसके बाद है, इसके बाद. ओके मैम. एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट स्टूडेंट प्रिपेयर्स हिज लेसन ऑन एडवांस. हाँ An intelligent student prepares his lesson on. An intelligent student prepares his lesson on advance. Ma'am. Intelligent student prepare. Ma'am prepares नहीं आएगा, prepare ही आएगा. नहीं ये prepares तो correct है. और देखो पढ़ो सेंटेंस को दोबारा पढ़ के, बार बार पढ़ो ताकि तुम्हें इनकरेक्ट फिर फाइंड आउट हो जाए. पढ़ो बार okay, फिर से. तो मैम यहाँ पे एडवांस की जगह कुछ हो रहेगा. एडवांस भी ठीक है. यहाँ पे ऑन की जगह कुछ आएगा, इतना मैं बताती हूँ. चलो सोचो ऑन की जगह क्या आएगा. ओके मैम. एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट प्रिपेयर्स हिज लेसन इन. हाँ ये पहले नहीं लग रहा था कि यहाँ पे इन आना चाहिए. नहीं मैम मुझे लग तो रहा था लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई थी फिर. हाँ तुम तो प्रिपेयर्स और एडवांस में ही घूम रही थी. चलो नेक्स्ट पढ़ो. इसके बाद हाँ ये वाला. Hence, proper using of time is essential in life.
मैम वहां पे इनकी जगह कुछ और आएगा। नहीं इनकरेक्ट है। और देखो हेंस प्रॉपर यूजिंग ऑफ टाइम इज एसेंशियल इन लाइफ। तो मैम फिर हैंस की जगह कुछ और रहेगा, हेंस भी ठीक है, ये बता देती हूँ कहाँ इनकरेक्ट है। यूजिंग यूज आएगा इसकी जगह। हाँ यूज आएगा, बस ये या तो तुम डिटेक्ट कर लेती हो कि कहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, या जो रॉन्ग है वो बता दो तो करेक्ट कर देती हो, या दोनों कर देती हो, है ना। यस मैम। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये नेक्स्ट पैसेज है। मैम ऑफ की जगह ना फोर आएगा। ऑफ की जगह तो करेक्ट बोल रही हो, पर फॉर नहीं आएगा, कुछ और आएगा, सोचो। तो इन नहीं अबाउट ओके मैम। द वे यू फील अबाउट योर सेल्फ। वहां पे इफेक्टेड की जगह कुछ और आएगा। हाँ ये तो करेक्ट है, क्या आएगा यहाँ पे। योर सेल्फ स्टीम इफेक्ट योर हैप्पी लेवल। इफेक्ट्स इफेक्ट्स योर हैप्पी लेवल। योर हैप्पी लेवल एंड हैप्पी लेवल एंड ऑल्सो कैन मेक मैम वहां पे हैप्पी की जगह हैप्पीनेस आएगा। और सोचो। मैम नहीं तो फिर ना कैन की जगह कुछ और आएगा। एंड की जगह आएगा। एंड की जगह मैम दे आएगा। अच्छा और आएगा। The way you feel about your self-esteem affects your happy level or also can make life more or less stressful. For you,
मैंने इनकरेक्ट कर दिया, एक सेकंड, यहाँ पे ये करेक्ट था, हैप्पीनेस जो तुम कह रही थी, सॉरी। अब इसके, हाँ इसके बाद बताओ, affects your happiness level and also can make life more, यहाँ पे ये मैंने इनकरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे and था जो करेक्ट होके और होता। Yes ma'am. For example, till you trust. For example, till you trust. मैम वहां पे टिल नहीं आएगा, करेक्ट, टिल नहीं आएगा वहां पे ना, टिल की जगह वो आएगा। ये तो करेक्ट है कि टिल नहीं आएगा। मैम विल आएगा, विल नहीं आएगा अनलेस। ओके मैम, अभी तुम मेरे को पूरा सेंटेंस नहीं, अभी तुमने पढ़ा ना, तो माइट बी तुम्हें उसके बाद तुम उसको सोच पाते। What? Your ability to handle, ये क्या है मैम? What? ये what है? Ability to handle what came? For example, unless you trust your ability to handle what came, you will be more like to see. एबिलिटी की जगह एबिलिटीज आएगा। नहीं, एबिलिटी तो सही है, उसके अलावा बताओ। अच्छा, एबिलिटी टू हैंडल, तो मैम फिर व्हाट की जगह कुछ और आएगा। व्हाट भी सही है, केम कम करेक्ट है, कम कम्स, हाँ कम्स, यू विल बी मोर लाइक टू सी, मैम वहां पे ना विल की जगह कुछ और आएगा। नहीं, विल करेक्ट है। और सोचो, पूरा सेंटेंस से पढ़ने लग जाया करो। Unless you trust your ability to handle what comes, you will be more. तो मैम वो लाइक की जगह कुछ और आएगा। हाँ, लाइक की जगह कुछ और आएगा, बताओ क्या आएगा। यू विल बी मोर मैम लाइकिंग, लाइकली। अच्छा लाइकली, फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू ट्रस्ट योर एबिलिटी टू हैंडल व्हाट कम्स, यू विल बी मोर लाइकली टू सी डिफिकल्ट सिचुएशन लाइक द चैलेंज इंस्टेड ऑफ थ्रेट्स।
मैम वहां पे आएगा ना लाइक द चैलेंजेस. नहीं ये करेक्ट है. सारा करेक्ट है. नहीं एक वर्ड तो इसके अंदर इनकरेक्ट है पर क्या अच्छा. है वो तुम्हें देखना है. डिफिकल्ट सिचुएशन कॉल्ड सिचुएशन लाइक द चैलेंज चलो बता देती हूँ तुम्हें. तुम उसमें की जगह वर्ड बताना. सिचुएशन की जगह सिचुएशंस की जगह क्या आएगा. इस सिचुएशंस सिचुएशन आएगा सिर्फ. हाँ सिर्फ सिचुएशन आएगा. ओके ओके मैम. चलो नेक्स्ट पैसेज करते हैं. अब जो तुम्हारी बुक हो ना तुम्हारे पास उसके अंदर जो पैसेज वगैरह हो उसको खुद ट्राई करना. ओके मैम. उससे तुम्हें प्रैक्टिस होगी क्योंकि इसको जितना प्रैक्टिस करोगी ना ओमिशन एडिटिंग गैप फिलिंग ये सब की उतना ही क्लियर होगी. ओके मैम. मैम ये पोएट्री है. हाँ पोइट्री. ओपन आर आईज टू मैम वहां पे पोइट्री की जगह पे पोइट्रीज आएगा. पोइट्री नहीं पोइट्री ठीक है. ओपन अवर आईज टू तो मैम टू की जगह पे वो आएगा. टू भी करेक्ट है. ओपन इनकरेक्ट है. ओके मैम. ओपनिंग अवर आईज. ओपन्स अच्छा ओपन्स अवर आईज. पोएट्री ओपन्स आर आईज टू न्यू वेज ऑफ लुक्स एट इवेंट्स. मैम वहां पे एट की जगह कुछ और आएगा. नहीं सेंटेंस ना बार बार पढ़ते रह करो. ऐड की ऐड करेक्ट है. तो मैम वेज की जगह पे सिर्फ वे आएगा. वेज भी करेक्ट है. वेज भी करेक्ट है. लुक्स यहाँ पे क्या आना चाहिए. लुक 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 नहीं लुकिंग. अच्छा लुकिंग. पोल्ट्री ओपन्स आर आईज टू न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट इवेंट्स एंड इमोशनल इमोशन एंड इमोशंस. और इमोशन आएगा. नहीं आगे पढ़ो. ये सेंटेंस क्या खत्म हो गया. आगे भी पढ़ो.
और इमोशन द पोएट टुक द पोएट मैम यहाँ पे पोइट्री की बात हो रही है ना, हाँ. तो फिर वहां पे पोइट्री आएगा. अब जरूरी थोड़ी पोइट्री की बात हो रही है तो पोएट की बात नहीं हो सकती. अच्छा द पोएट टुक्स टुक की जगह आएगा टेक्स. द पोएट टेक्स द रीडर इन वो. मैम ये क्या है? वॉयजेस. वॉयजेस वो क्या होता है? जैसे बॉर्न वॉयज या ऐसे वॉयजेस. द पोएट टेक्स द रीडर्स इन वॉयजेस मतलब उस टाइम में. अच्छा द रीडर्स इन वॉयजेस विद. पूरा पढ़ा करो यहाँ से. जब ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो ना तो जहाँ फुल स्टॉप हुआ है वहां से सेंटेंस पढ़ा करो, चाहे इनकरेक्ट इसमें हो, क्योंकि जब तुम सेंटेंस पढ़ोगे तब तुम्हें पूरी बात समझ आएगी. और कभी कभी ये होता है चाहे इसमें इनकरेक्ट हो लेकिन सेंटेंस जहां तक जा रहा है वो पढ़ा करो पूरा, क्योंकि सेंटेंस जब पूरा पढ़ोगे ना तो सेंटेंस में बात समझ आएगी. द पोएट टेक्स द रीडर्स इन वेजेस विद. मैम वहां पे ना रीडर नहीं आएगा, रीडर्स नहीं आएगा. द पोएट टेक्स द रीडर्स इन इन. अच्छा इनकी जगह पे टू आएगा. ऑन द पोएट टुक द रीडर्स ऑन वॉयजेस विद पोएटिक डिवाइस एंड. देखो पोएट्री में क्या होता है, पोएट्री में क्या होता है कि जिस तरह से पोएम लिखी होती है ऐसे लगता है कि हम जब पोएम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे हम उसी जगह पे पहुंच चुके होते हैं और हम हमारे सामने वो सब चीजें हो रही हैं. तो वॉयजेस एक तरह से हमें एक बोट में बिठा दिया और हम घूमे जा रहे हैं, मतलब उस सिचुएशन में आ जाना. ओके मैम ठीक है, पोएट्री ऐसे ही तो करती है कि हमें हमें फील होता है कि हम खुद ही वहां पहुंच चुके हैं जो बात चल रही है उस पोएम में. चलो पढ़ो. द रीडर इन द रीडर ऑन वर्जिस विद. मैं पूरा बोल रही हूँ तुम्हें, यहाँ से पढ़ा करो जब सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो. द पोएट टेक्स द रीडर्स ऑन वॉयजेस विद पोएटिक डिवाइस एंड शेयर्स आइडियाज ऑफ देम एंड शेयर मैम डिवाइजेस नहीं आएगा वहां पे, डिवाइस आए डिवाइजेस आएगा. शेयर आइडियाज ऑफ देम द पोएट टेक्स रीडर्स इन वॉचेस विद द पोएटिक डिवाइस एंड शेयर्स आइडियाज ऑफ देम. पोएट्री इज. मैम ऑफ की जगह आएगा आइडिया आइडियाज ऑन देम विद देम. अच्छा विद देम पोएट्री इज ऑफ्टन ऑफन इसमें टी साइलेंट रहता है ऑफन, इसको जो हम पढ़ते हैं ना. ऑफन सीज एज अ स्पेशल. The poet takes the readers or merges with poetic device and shares idea with them. Poetry is often fancies as a special.
मैम वहां पे सीज नहीं आएगा, सी आएगा सिर्फ, सीज नहीं आएगा, सीन आएगा। ओके मैम। सब्जेक्ट ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, पूरा यहाँ से पढ़ो पोएट्री से। पोएट्री इज ऑफन सीन एज अ स्पेशल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। सब्जेक्ट मैम वहां पे एन की जगह कुछ और आएगा। एन करेक्ट है। पोएट्री इज ऑफन सीन एज अ स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। एजुकेट आएगा फिर वहां पे ऑफ। अच्छा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एन एजुकेटेड पर्सन बाय बाय सब्जेक्ट बाय। अब पूरा पढ़ो यहाँ से सेंटेंस कि वहां पे बाय ही लगना चाहिए था, अब तुम्हें करेक्ट फील होगा। ओके मैम। पोएट्री इज ऑफन सीन एज अ स्पेशल subject by an educated person। एक educated person को ये लगता है कि ये poetry भी एक subject होना चाहिए। ठीक है, poetry is often seen as a special subject by an educated person। Next पढ़ो last। Poets however feel this poetry is for all। Poets, however, feel this poetry is for all। मैम यहाँ पे फील की जगह पे फील्स आएगा। दिस इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? इसकी जगह पे द पोएट्री इज फॉर द आएगा। पोएट्स हाउएवर फील दैट, ओके मैम, दैट The poetry is for all. That poetry is for all. Okay, ma'am. ठीक है, अब editing समझ आया? Editing, omission, gap filling, इन सब की तुम अपने खुद से practice करना, ठीक है? ठीक है। Book में। तो अब हमारे grammar की सब चीज पूरी है? Yes, ma'am. ठीक है, अभी क्या कहते हैं? चलो हम अब मंडे से तो साइंस पढ़ेंगे ना। अब yes, ये बताओ, एक तो है स्ट्रक्चर एंड एटम्स हमने पढ़ा था ना। यस मैम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है। हाँ, अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हाँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है और उसका चैप्टर ग्रेविटेशन है ना। नहीं, वो है पावर। हाँ, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो कौन सा स्टार्ट करें? एटम एंड मॉलिक्यूल नहीं मैम, वर्क एंड एनर्जी करते हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी। यस मैम। ठीक है, चलो फिर मंडे को ये करेंगे। और मंडे को वही 6 o'clock होनी है ना क्लास? यस मैम। ठीक है, ठीक है, मंडे को मिलते हैं हम। ओके मैम। ओके, चलो बाय बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय। थैंक यू मैम।